तड़के दे वेले आप सबको खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद शरीफ। तड़के दे वेले को पेश करने का मकसद यही है कि हम सब आपस में मिलकर अपने दिन का आगाज खुदावन के बाबरकत नाम से करें, ताकि पूरा दिन उसके फजाइल हमारी मदद और रहनुमाई करें। तो वो सब लोग जो बहुत ज़्यादा थक कर रात देर से सोए थे, या जो सब सुबह सुबह थोड़ी सुस्ती या कायली से काम लेते हैं, आपको बताती चलूं कि सुबह हो चुकी है, सूरज अपनी पुरकशिश किरणों के साथ तुलू हो रहा है। आप भी जल्दी से उठें, आंखें खोलें और हमें ज्वाइन करें और अपने तड़के दे वेले को खूबसूरत बनाएं हमारे साथ। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के। St. Joseph's College for Women is providing young women quality education from past 70 years. Well-qualified and experienced faculty for all disciplines. Auditorium with all facilities installed for facilitation. Spacious and well-ventilated classrooms. 5 labs for science students. Well-equipped computer lab for staff and students. Multimedia installed classrooms, library with collection of more than 16,000 books, co-curricular and extracurricular activities throughout the year, ground for sport activities, individual attention at each student, career guidance and counseling. St. Joseph's College for Women is considered among top 10 colleges of Karachi and recognized on both national and international level. Admissions are now open. Online registration starts from the 15th of June. Online test phase 1 would be held on 15th July. Online test phase 2 would be held on 22nd July. Commencement of classes from 17th August. वेलकम बैक। आपको एक बार फिर ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप जाग रहे होंगे और आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। आज के हमारे मेहमान नहायत काबिल एहतराम फादर शाहिद बूटा हैं, हम उनको अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? ठीक ठाक। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे दरमियान हमारे मेहमान रेवरेंड फादर शाहिद बूटा हैं। इनका तारुफ मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। फादर शाहिद बूटा का ताल्लुक सेंट पॉल्स पैरिश से है और मैं इन्हें बहुत लंबे अरसे से जानता हूं, जब फादर जी संडे स्कूल में तालीम हासिल करते थे और इसी तरह रूहानियत में बढ़ने के साथ साथ फिर खुदावन ने इन्हें काहिन बनने के लिए बुलाया और फादर जी की सबसे पहले अपॉइंटमेंट गुड शेपर्ड पैरिश में थी और वहाँ पर रूहानियत में बढ़ते बढ़ते लोगों को खुदावन के गले में लाने के साथ साथ बहुत सरगर्म रहे और यूथ के साथ बहुत काम किया और फिर उनकी सेकंड अपॉइंटमेंट सेंट फिलिप पैरिश में हुई और सेंट फिलिप पैरिश में भी नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ बहुत गहरा इनका ताल्लुक है और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को खुदावन के गले में ला रहे हैं और रूहानियत में बढ़ने के मौके फराहम कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि खुदावन इन्हें इसी तरह अपने काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। फादर जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने तड़के दे वेले में और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने तड़के दे वेले के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। तो यकीनन आप तड़के दे वेले सुबह सुबह पाकमास कर आए होंगे, तो हम सब जानना चाहते हैं कि आप अपने तड़के दे वेले का आगाज़ किस तरह से करते हैं। सबसे पहले ये जो हम सुबह का आगाज़, हमें सबको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर एक दिन हर एक सुबह खुदा का बड़ा मौजज़ा है। जब हम सुबह सवेरे अपनी आँखें खोलते हैं तो शायद मैं समझता हूँ कि
ये खुदा का बड़ा मौजज़ा है मेरी ज़िंदगी में कि खुदा ने पूरी रात निगहबानी की और सुबह का दिन बख्शा। सुबह का आगाज हर किसी के लिए मुनफरिद होता है, मगर मेरे लिए काहिन होते हुए सुबह का आगाज जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, सबसे पहले मैं खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने एक नया दिन बख्शा है। उसके बाद फौरन पाक मास की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ ताकि वक्त पर पाक मास में जा सकूँ। इन दिनों में जब ये कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, अभी हमारा ये तीसरा हफ्ता है कि हमने सुबह की पाक मासें हमने करना शुरू की हैं, इबादतें शुरू की हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि सेंट फिलिप पैरिश। सर साहिद ने कहा कि मैं सेंट फिलिप पैरिश में हूँ और मेरे पैरिश पे फादर बेंजामिन हैं, तो हमने पीर से लेकर हफ्ते तक सुबह 6 बजे हर एक इलाके में पाक मास का आगाज़ किया है, और एक इलाके में फादर जी जाते हैं, एक इलाके में मैं, तो इसी तरह मैं एक काहिन होते हुए अपने दिन का आगाज़ अकदस कुर्बानी से करता हूँ। वक्त पर जाना, तैयारी करना, अपने आप को तैयार करना, ज़ाती दुआ में अपने आप को शरीक करना, और फिर पाक मास का आगाज़। तो कोशिश करता हूँ कि पाक मास का आगाज़ अच्छे तरीके के साथ हो ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात कर सकें। तो ये तकरीबन 35-40 मिनट हम इलाके में रहते हैं, मैं इलाके में रहता हूँ, उसके बाद फिर पैरिश में वापसी आते हैं और थोड़ा सा अपने कमरे में अपने आप को तैयार करते हैं, और फिर 8:30 बजे हम सुबह की दुआ, जिसे इंग्लिश में मॉर्निंग प्रेयर कहते हैं, तो उसमें मैं, फादर और हमारे ब्रदर्स हैं, तो हम मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, और उसके बाद फिर 9 बजे नाश्ता, और इससे फिर अपने दिन का आगाज़ खुदा के नाम से, और फिर पूरे दिन को खुदा के हाथों में सौंपना कि खुदा हर एक काम को बरकत दे। जब भी मैं नाश्ते के वक्त दुआ करता हूँ तो उस वक्त मैं यही कहता हूँ कि खुदा जो कुछ भी करें आज के दिन वो तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। हर एक काम, सिर्फ दुआ नहीं बल्कि हर एक काम हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। बहुत खूब फादर जी। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे काहिन भी अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ करते हैं। फादर जी, जैसा कि आपने अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ किया है, खुदा के बाबरकत नाम के साथ किया है, और उम्मीद है कि आप जो तड़के के वेले का आगाज़ आपने दुआ के साथ किया है उसकी ब्लेसिंग दिन भर आपके साथ साथ रहती है। आप उनकी नेमतों से और बरकात से जो है आप भरे हुए हैं। आप नाज़रीन को कुछ बताएंगे कि आप वो ब्लेसिंग कितनी पावरफुल, पूरा दिन आपका कितना मुबारक गुजरता है जो आपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ किया। यकीनी तौर पर जब भी खुदा का नाम लिया जाता है तो आप मोमिनीन जो जानना चाहते हैं कि क्या होता है कि जब हम सुबह दुआ करते हैं और फिर सारा दिन क्या क्या हम पाते हैं, मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करता है कि बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र अदा करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में खुदा बाप की यही मर्ज़ी है। अगर हम सुबह सवेरे उठकर शुक्र अदा कर देंगे और फिर शुक्रगुजारी के साथ अपने सारे दिन को दुआ में रख लेंगे और सुबह ही दुआ करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदा सारा दिन मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तुम्हें निगहबानी करना, हिफाजत करना, तो फिर हम इस बात को जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि खुदा किन किन लम्हात में, किस किस वक्त में खुदा हमारी हिफाजत और निगहबानी करता है। तो ये है कि जब हम दुआ करेंगे, अपने दिन का आगाज़ दुआ से करेंगे, तो खुदा हर लम्हा मदद और रहनुमाई करेगा। फादर जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में हम बहुत थक जाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, कभी पाक मास मिस हो जाती है, तो वो दिन आपका कैसा गुजरता है? बड़ा अच्छा सवाल है। यकीनी तौर पर जब रात को मैं सोता हूँ तो मैं इसी बात की फिक्र में होता हूँ कि सुबह उठना टाइम पर है। जैसे मैं साहब ने ये सवाल किया, ये सवाल तो बहुत अच्छा है। मैं जब रात को सोता हूँ तो अपने मोबाइल में 3 अलार्म लगाता हूँ, एक
5:00 का, दूसरा 5 और तीसरा 5:15। तो इन अलार्म में मैं कोशिश करता हूँ कि उठ जाऊँ। कभी कभार जब 4:45 अलार्म बजता है तो थोड़ा सा होता है कि 5-10 मिनट सो जाते हैं, वो 5-10 मिनट फिर ऐसे गुजरते हैं कि अचानक उठना होता है। जो आपने सवाल किया कि पाक मास अगर मिस हो जाए, जब से मैं सेंट फिलिप पैरिश में आया हूँ पाक मास नहीं मिस हुई मॉर्निंग की, जब से हमने उसका आगाज़ किया है। बाकी हाँ, कभी कभार दुआ में थोड़ी सी जब लापरवाही होती है तो वो दिन अच्छा नहीं गुजरता। फिर जब रात को मैं सोने लगता हूँ तो मैं पूरे दिन को, ये अच्छा एक आपने सवाल किया और ये मोमिन के लिए भी कि जब आप रात को बिस्तर पर जाते हैं तो पूरे दिन के बारे में सोचें कि सुबह से लेकर शाम तक, रात तक मैंने क्या किया है और किन किन कामों में मैंने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया या खुदा को याद नहीं किया, तो फिर ये नए दिन का आगाज़ जो होगा वो अच्छा होगा। बहुत खूब फादर जी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज के हमारे मौजूद मेहमान फादर शाहिद भुट्टा थे। आज हम अपने गुड न्यूज़ टीवी की तरफ से, अपने नाज़रीन की तरफ से फादर जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे दरमियान आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच फादर जी कि आपने अपने तड़के दे वेले का आगाज़ हमारे साथ किया, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपने तड़के दे वेले का आगाज़ कीजिए हमारे साथ और अपने हर तड़के दे वेले को खूबसूरत बनाएं हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक।